हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए पैकेजिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि डीएनए कैसे सेल के अंदर पैकेज होता है। हमें जनरली मालूम है डीएनए एक थ्रेड की जैसा होता है, थ्रेड की लाइक ए थ्रेड, और वो थ्रेड एक सेल में कैसे फिट होता है। अगर एक जनरल सेल के बारे में बात करें, अगर एक ह्यूमन सेल का बात करें, ह्यूमन सेल, सो ह्यूमन सेल का लगभग 6.6 × 10⁻¹ बेस पेयर लॉन्ग डीएनए होता है, लॉन्ग डीएनए। सो अगर एक ह्यूमन सेल का, वन ह्यूमन सेल का बात करेंगे, तो उसमें कितने सारे बेस पेयर हैं? 6.6 × 10⁻¹ बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है। उसमें हमें ये मालूम है इच बेस पेयर द डिस्टेंस बिटवीन इच बेस पेयर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इच बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर, या फिर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, और 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इसको हम कैलकुलेट करने जाएं कि यहाँ पे बोला जा रहा है सेल सेल के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए है कितना लंबा है, हमें अगर मालूम करना है लेंथ ऑफ डीएनए, अगर हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ डीएनए मालूम करना है, तो हम यहाँ पे ह्यूमन सेल लिए हैं, तो इसमें बोला जा रहा है ऐसे ऐसे करके ये है बेस पेयर, ऐसे 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 करके बेस पेयर कितना है, 6.6 × 10⁻¹। कितना बड़ा फिगर है आप सबको दिख रहा है। तो ये जो है इतने सारे बेस पेयर है, मतलब ये एक एक बेस पेयर करके अप टू आपको जाना है 6.6 × 10⁻¹ तक। उसके साथ आप लोगों को और एक चीज़ मालूम होगा कि डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर, टू एडजेसेंट बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, ये दो बेस पेयर के जो डिस्टेंस है वो है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और 0.3 नैनोमीटर। तो हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू द डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर, सो 0.34 nm, तो हमें लगभग 2.2 मीटर के डीएनए मिलेगा एक ह्यूमन सेल का, 2.2 मीटर का डीएनए। तो अभी हमें क्या सोचना है, ये लंबा सा डीएनए है 2.2 मीटर का, तो ये कैसे इस छोटे से सेल में, टाइनी सेल में फिट होगा। इसी फिटिंग करने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो डीएनए कैसे पैकेज होता है, अभी हमारे पास दो प्रकार के सेल होते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। सो पहले हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे डीएनए पैकेज होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं ई कोलाई। सो ई कोलाई का अगर एग्जांपल लेंगे, जनरल जो है हमारा बैक्टीरिया, सब लोगों को मालूम है, इसका जो बेस पेयर होता है ये टोटल होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर लॉन्ग, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर लॉन्ग होता है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 0.34 नैनोमीटर के साथ, तो हमें लगभग कितना मिलेगा डीएनए, 1.36 मिलीमीटर का हमें डीएनए मिला। मतलब ये इतना छोटा, ये फिगर देखिए आप लोग, 6.6 × 10⁻¹ है, 4.6 × 10⁻¹ है। सो इसको इसको मल्टीप्लाई करने से हमें लगभग 1.5 mm के बराबर का हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा सिर्फ ई कोलाई का। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा ह्यूमन सेल बहुत बड़ा होता है और बैक्टेरियल सेल बहुत छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है बहुत छोटा, तो उसका छोटा जीनोम होता है, छोटा डीएनए होते हैं, फिर भी हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना है। तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे पैकेज होता है हमारा जो डीएनए है, उसको समझेंगे। सो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेज होने के लिए जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ होते हैं सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि कंबाइन करते हैं डीएनए के साथ। और यहाँ पे डीएनए इकोलाई का कैसा होता है, फ्री और अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है, अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, अनकॉइल्ड या फिर फ्रीली होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इकोलाई में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सो इसका कोई वेल डिफाइंड, वेल फर्निश्ड कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तब जाके हमारा डीएनए पैकेज हो जाएगा। अब ये जो पैकेजिंग में जो स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ इस तरह का, ये रहा बैक्टीरिया। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिल जाने के बाद
पहले कंडीशन में ये रहा हमारा इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई इकोलाई। अब ये रहा पैकेज कंडीशन। पहले कंडीशन में इस तरह से हमारा डीएनए नेकेडली या फिर फ्रीली प्रेजेंट था, ये था हमारा डीएनए। अब पैकेजिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे बैक्टीरिया में ये भी इकोलाई है, जस्ट इसका पैकेजिंग हो जाने के बाद यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें एबसेंट होता है। न्यूक्लियस एबसेंट होने का मतलब ये है जेनेटिक मैटर रिमेन नेकेड, यहाँ पे नेकेड होता है, इसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसको न्यूक्लियस इज एबसेंट बोला जाता है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एबसेंट, इसलिए उसको एक दूसरा नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड, और इसको बोला जाता है प्रो क्रोमोसोम बोला जाता है, प्रो क्रोमोसोम बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ये था उनका अरेंजमेंट, बहुत ही हल्का सा था, बहुत ही इजी था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और डीएनए हो जाता है पैकेज, डीएनए हो जाता है पैकेज। ये रहा उसका फॉर्म यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हमारा यूकैरियोटिक सेल कैसे होता है। सो नंबर टू, पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कैसे डीएनए पैकेज होता है ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। सो डीएनए पैकेज जो होता है किसके मदद से होता है यूकैरियोटिक सेल में, पैकेजिंग इज डन बाय हिस्टोन प्रोटीन। वहाँ पे नॉन हिस्टोन था, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होगा। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन वगैरह होते हैं, आर्जिनिन कह सकते हैं, आर्जिनिन जो भी कह सकते हैं, ये दोनों के होने के वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमें यही तो चाहिए, हमारा जो डीएनए इतना बड़ा जो डीएनए है उसको कॉइल करके रखने के लिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए हमें उसको अट्रैक्ट करना होगा टुवर्ड्स, ये तो नेगेटिवली चार्ज है और हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन और ये डीएनए के कॉम्बिनेशन होने के वजह से ये डीएनए पूरा वेल पैकेज हो जाएगा। हमें जनरली इतना सारा डीएनए को ऐसे नेकेड में नहीं रख सकते, इसके वजह से हमें इसको पैकेज करके एक छोटे से सेल में फिट करना होगा। तो छोटे से सेल में फिट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, उसे जानना पड़ेगा क्या प्रोसेस है। एक प्रोसेस कहा जाता है न्यूक्लियोजोम फॉर्मेशन होता है, एक न्यूक्लियोजोम प्रोसेस होता है, जिसमें अगर सिंपल वर्ड में देखें न्यूक्लियोजोम इज नथिंग बट हिस्टोन हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए जुड़ने के बाद न्यूक्लियोजोम बनाते हैं। अब कैसे बनता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। न्यूक्लियोजोम टर्म वाज गिवन बाय, ये टर्म कौन दिए थे, टर्म वाज कॉइन्ड बाय आउटडेट इन 1975 में आउटडेट ने ये टर्म दिया था न्यूक्लियोजोम। और ये होता क्या है, इट इज ए सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वेयर डीएनए इज रैप्ड, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, डीएनए इज रैप्ड यानी कॉइल्ड होता है, रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। अगर इसको एक लाइन में समझे, एक छोटे से ड्राइंग में समझे, ये मान लीजिए आप लोग ये है हिस्टोन प्रोटीन और इसके चारों तरफ हमारा डीएनए कॉइल्ड है, डीएनए इस तरह से कॉइल्ड है, और कितना कॉइलिंग है उसको भी हम समझेंगे। ये रहा हमारा डीएनए, आया कॉइल्ड हुआ उसके चारों तरफ जितना हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर से निकल गया, ये रहा कॉइलिंग, ये था हिस्टोन प्रोटीन। हम इसको दूसरे कलर में दिखा देते हैं, ये था हिस्टोन प्रोटीन और इसको कौन कॉल किया है, डीएनए। सो ये डीएनए हमारा,
और ये जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ इसे हम न्यूक्लियोजोम कहेंगे, न्यूक्लियोजोम कहेंगे। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियोजोम में ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन, ये कुछ चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। एक होता है H2A, दूसरा होता है H2B, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4। H स्टैंड फॉर यह हिस्टोन। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो टोटल हमें बन जाएगा 8। सो देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर, जिसको हम ऑक्टामोर कहते हैं। ऑक्टामोर, ऑक्टामोर कहा जाता है इसको, हिस्टोन को ऑक्टामोर कहा जाता है। मतलब ये जो राउंड स्ट्रक्चर बनाया है, ये रहा H2A, ये रहा H2B, ये रहा H3 और ये रहा H4। अब इसके पीछे और एक H2A, इसके पीछे H2B, इसके पीछे H3 और इसके पीछे H4। तो हमारा DNA इसके चारों तरफ ही कॉइल होता है। अब कॉइलिंग हो जाने के बाद और एक प्रोटीन का जो आता है पार्ट, जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर में नहीं आता, वो इसको अलग से लिखेंगे, वो है H1। H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या काम करता है, ये जस्ट बाइंड करके रखता है, होल्ड द DNA स्ट्रैंड। इसमें लिख देना है होल्ड द DNA स्ट्रैंड्स एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। सो जब DNA यहाँ से एंटर करता है तो यहाँ पे H1 लगेगा यहाँ पे, ताकि ये खुल ना जाए। फिर यहाँ से जब एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन लगेगा, H1 H1, ये एक H1। हालांकि ये जो कॉइलिंग होगा ये हम यहाँ पे एक दिखाए हैं, बट एक्चुअली में जो कॉइलिंग करता है DNA, वो करता है 1.75 लेफ्ट हैंड कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड टर्न करता है, लेफ्ट हैंडेड टर्न करता है। यानी कि ये अगर हमारा वो हिस्टोन प्रोटीन है, सो DNA आया यहाँ से, DNA यहाँ से आया, एक कंप्लीट यहाँ पे हुआ, उसके बाद 75 यहाँ पे कुछ इस पॉइंट में ये अलग हो जाएगा। सो 1.75 टर्न हो गया, 2 नहीं, कंप्लीट 1.75 करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियोजोम, ये न्यूक्लियोजोम में कितने बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोजोम में लगभग 146 बेस पेयर ऑफ DNA इज देयर, 146 बेस पेयर ऑफ DNA इज देयर, DNA इज प्रेजेंट। और ये जो न्यूक्लियोजोम है कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये एक न्यूक्लियोजोम, ये दूसरा न्यूक्लियोजोम, ये तीसरा न्यूक्लियोजोम, ये चौथा न्यूक्लियोजोम, ये पांचवा, इस तरह से ये लोग अरेंज हुए हैं। इस तरह से ये देखो, देखिए आप सब किस तरह से इतना सारा DNA कॉइल्ड होके कितना छोटा बन गया। अब ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोजोम, ये तो न्यूक्लियोजोम्स हो गए, न्यूक्लियोजोम्स ये। अब इन दोनों के बीच में जो DNA है उसको हम बोलते हैं लिंकर DNA। लिंकर यानी ये दोनों न्यूक्लियोजोम को लिंक कर रहा है, आपस में लिंक कर रहा है। तो ये कितने बेस पेयर का होगा, ये होगा लगभग 54 बेस पेयर का। सो ये न्यूक्लियोजोम और लिंकर दोनों को मिला देंगे, सो क्या बनेगा, न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोजोम प्लस लिंकर DNA, न्यूक्लियोजोम का DNA प्लस लिंकर DNA इज इक्वल टू 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर का बन जाएगा। है भी हमारा न्यूक्लियोजोम में 146 बेस पेयर यहाँ पे होता है DNA, और यहाँ पे कितना बेस पेयर का, 54 बेस पेयर का। सो दोनों को मिला देंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 200 बेस पेयर। और न्यूक्लियो असेंबल, असेंबली ऑफ न्यूक्लियोजोम एंड लिंकर DNA इज कॉल्ड क्रोमाटोजोम, क्रोमाटोजोम बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, क्रोमाटोजोम, क्रोमाटोजोम कहा जाता है। सो क्रोमाटोजोम इज कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर। इसके अलावा ये जो अरेंजमेंट है, ये रहा हमारा न्यूक्लियोजोम, फिर उसके बाद लिंकर, फिर न्यूक्लियोजोम, फिर लिंकर, फिर न्यूक्लियोजोम, फिर लिंकर। ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों ने जनरली देखा है, इसे कहा जाता है, इस तरह का अरेंजमेंट नेम है बीट्स ऑन स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत फेमस सा नाम है दिया गया है न्यूक्लियस जोम अरेंजमेंट को, या फिर इसे बीडेड स्ट्रिंग भी कहा जाता है, बीडेड स्ट्रिंग भी कहते हैं इसको, बीडेड स्ट्रिंग भी कहा जाता है। सो ये ओवरऑल था हमारा पैकेजिंग ऑफ DNA। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जान लेना है। जो सेंटर पार्ट है, सेंटर, ये जो सेंटर पार्ट है,
इसके पार्ट में हम कोर पाते हैं, इसको बोलते हैं कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का कोर होता है, कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, जिसका नाम है, इसको बोला जाता है न्यू बॉडी। न्यू बॉडी, न्यू बॉडी कहा जाता है, कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड न्यू बॉडी। न्यू बॉडी बोला जाता है, जो कि इसके कोर में क्या होता है ना, जो हाइड्रोफोबिक नेचर के प्रोटीन का, जो जो हिस्टोन प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक नेचर होगा वो सब सेंटर में होंगे और बाहर में सब हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। तो ये ओवरऑल था। इसके अलावा और दो पॉइंट जान लेते हैं। यू क्रोमैटिन क्या होता है? यू क्रोमैटिन हमारा होता है लाइट स्टेंड लूजली पैक्ड डीएनए, इसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। और हेटरोक्रोमैटिन क्या कहते हैं? उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, डार्क स्टेंड एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड जो डीएनए होता है उसे हम हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं। और दोनों में से एक्टिव कौन है? यूक्रोमैटिन, एक्टिव फॉर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों के लिए ये एक्टिव है। सो आई होप आप लोगों को पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टीबीएससी, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मैं जब भी अपलोड करूँ तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।